स्वागत है आपका HFF न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को देश से गद्दारी के लिए पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, लेकिन अब इसी सजा को लेकर जो डिटेल निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को 2007 में तख्ता पलट और आपातकाल लगाने का दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अगर मुशर्रफ किन्हीं कारणों से फांसी देने से पहले ही मर जाते हैं तो उनकी लाश को खींचकर इस्लामाबाद के डी चौक यानी कि डेमोक्रेसी चौक पर लटकाया जाए और उसे 3 दिन तक वहीं पर लटका कर रखा जाए। आपको बता दें कि अपनी बीमारी की वजह से मुशर्रफ अपनी निजी जिंदगी में मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी सैन्य शासक को देशद्रोह में फांसी की सजा सुनाई गई है, और तो और उसके खिलाफ मरने के बाद भी इस तरह का बर्बरतापूर्ण आदेश दिया गया है। बता दें कि मुशर्रफ के खिलाफ दिसंबर 2013 में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। 31 मार्च 2014 को उन्हें हटाया गया और मुकदमा शुरू हुआ। मुशर्रफ 2016 में ही भागकर दुबई चले गए और फिर पाकिस्तान वापस नहीं लौटे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 17 दिसंबर को 167 पन्नों के दिए अपने आदेश ये सुनिश्चित करने को कहा कि हर सूरत में मुशर्रफ को पूरी सजा दी जाए। आपको बता दें कि डी चौक के पास ही राष्ट्रपति भवन, पाकिस्तान का पीएमओ और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि तत्कालीन कोर कमांड कमेटी, मुशर्रफ के पहरे में तैनात सभी वर्दीधारी अधिकारी भी उनके इस कृत्य में उनके भागीदार माने जाएंगे। कोर्ट ने पाकिस्तान के संविधान अनुच्छेद 6 के तहत ये सजा सुनाई थी, जिसके तहत कोई व्यक्ति संविधान को कुचलने, निलंबित करने का प्रयास करता है या बल प्रयोग कर संविधान के खिलाफ साजिश करता है तो वो देशद्रोह का दोषी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है। उधर मरने के बाद भी फांसी पर लटकाए जाने की बात पर अब पाकिस्तान में विवाद हो गया है। मुशर्रफ की सजा पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान सरकार ने कहा है, सजा सुनाने वाली पीठ जस्टिस के मुखिया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ वकार अहमद का दिमाग ठीक नहीं है। फैसले में मुशर्रफ की लाश को खींच कर लाने और 3 दिन तक चौराहे पर टांगने की बात जरूर किसी मानसिक विकार के तहत आदेश में लिखी गई है। कानून मंत्री फारूक नसीम ने कहा है कि ऐसी सजा पाकिस्तान की सजा के खिलाफ है। सरकार ने तय किया है कि ऐसा व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का जज नहीं हो सकता और इन्हें हटाने के लिए सुप्रीम न्यायिक परिषद के पास अर्जी दी जाएगी। साथ ही मुशर्रफ को मरने के बाद भी चौराहे पर टांगने वाले इस आदेश के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। पहले दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।